ईडी की कार्रवाई आज से फिर से रायपुर में शुरू हुई है। ईडी देवेंद्र नगर जो आईएएस की कॉलोनी है उस कॉलोनी में है, अबलंगन दंपत्ति जो हैं उनके यहाँ ईडी की टीम पहुंची हुई है। टी अलमरंगलई जो कि इस समय वित्त विभाग के सचिव हैं और टी अनबलंगन जो कि इस समय मौजूदा समय में जल संसाधन विभाग के सचिव हैं उनके यहाँ ये टीम पहुंची है। इसको लेकर कि आखिरकार ये टीम यहाँ पर क्यों आई है, अगर इसको समझना है तो ईडी के उस चालान को देखना पड़ेगा जो चालान समीर बिश्नोई यानी कि वो आईएएस जो अभी जेल में हैं उनको संबंध में जो चालान ईडी ने पेश किया था, काफ़ी लंबा चौड़ा चालान था। उस चालान में एक इनस्क्रिप्ट है। इनस्क्रिप्ट का आशय होता है कि यदि कोई वॉइस रिकॉर्डिंग हो या कि कोई वीडियो हो तो या इस तरीके का कुछ होता हो तो वो एक ग्रुप चैट था, उस ग्रुप चैट को इनस्क्रिप्ट किया गया है यानी उसमें होने वाली बातचीत को लिखा गया है। ये बातचीत 11 जून 2021 की है। इस बातचीत में तीन किरदार प्रमुख हैं, एक हैं प्रीति बिश्नोई यानी समीर बिश्नोई की पत्नी, दूसरे खुद समीर बिश्नोई और तीसरे हैं सूर्यकांत तिवारी। चौथे जिस शख्स का बार बार जिक्र आता है वो जिक्र अबलंगन जी का है। अबलंगन यानी ये आईएएस साहब जिनका जो समय खनिज विभाग के सचिव हुआ करते थे, जो पूरी बातचीत है वो बातचीत इस मसले को लेकर सूर्यकांत और समीर बिश्नोई के बीच हो रही है कि जो मैनुअल होने का जो आदेश हुआ था, जो ट्रांसपोर्ट परिवहन को लेकर मैनुअल होने का आदेश हुआ था जिसको लेकर ईडी दावा करती है कि इसके कारण ही घोटाला संभव हो पाया, उसको लेकर कुछ बहस होती है उस चैट में। उसमें अबलंगन का जिक्र आता है। अबलंगन को लेकर ये समीर बिश्नोई नाराज़गी जताते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ उसमें किया है जो उनको नहीं किया करना चाहिए था। कहीं कहीं पर पढ़ने से ऐसा ध्वनित होता है कि समीर बिश्नोई उस आदेश को करना तो चाह रहे थे लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाह रहे थे कि उनकी कलम फंस जाए, लेकिन कहीं पर ऐसा भी लगता है कि वो अबलंगन को लेकर ये नाराज़गी है कि समीर बिश्नोई ने जिस चतुराई का शायद प्रयोग किया कि काम भी हो जाए यानी सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, अबलंगन जी की कलम ने कुछ ऐसा किया जिससे ये चीज़ उतनी सुचारू नहीं रह पाई, समीर बिश्नोई उतने सुरक्षित नहीं रहे। बहरहाल ईडी की कार्रवाई जारी है, न सिर्फ यहाँ बल्कि रायपुर बिलासपुर में कई और जगहों पर, दुर्ग में भी, क्षमा कीजिएगा, भिलाई में भी ये कार्रवाई चल रही है। तो जो ईडी की कार्रवाई का अब तक का पैटर्न है, ईडी अपनी ओर से कोई जानकारी देती नहीं है। हमें जो विस्तृत जानकारी मिलती है या जो संकेत मिलते हैं वो तब मिलते हैं जबकि ईडी कोई रिमांड नोट देती है, जब वो अभियुक्त को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है या तब जबकि उन अभियुक्तों को लेकर वह चालान पेश करती है। तब तक हमें इंतजार करना होगा। याज्ञवल्क दसूत्र रायपुर। दसूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप दसूत्र। आप हमारी खबरें dasutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।